इंस्टाग्राम पर ऐसे फोटो एडिटिंग बहुत वायरल हो रहे हैं जो कि वेक्टर आर्ट कार्टून से बनाए गए, यानी कि मिनिएचर फोटो एडिटिंग बहुत वायरल हो रही है और इसका ट्यूटोरियल आज हम देखने वाले। बहुत इजी है गाइज, और इसके साथ में और एक बोनस ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे आपका बैकग्राउंड और भी अच्छा होगा। और गाइज बहुत इजी है, सारे मटेरियल के लिंक मैं दे दूंगा, आप बना सकते हो और आप सामने देख सकते हो मैं एक क्लिक में बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तो बताने ही वाला हूँ कि ये कैसे बनाए और उसके साथ बोनस ट्रिक्स भी बताने वाला हूँ। और गाइज जिंदगी में 3 घंटे बजाया करो यार, एक मंदिर का, एक साइकिल का और एक हमारे चैनल का। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है जिसका नाम है टून ऐप। ये आपको ऐप डाउनलोड करनी है और बस क्या करना है, इसके इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको पिक्सार्टेक ऐप डाउनलोड करनी है। ये दोनों एप्लीकेशन लगने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं टून ऐप ऐसा इसका लोगो है। तो यहाँ पर ये ओपन करने के बाद आपका फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। आपका फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल शेडोज़ नहीं होने चाहिए आपके फ़ोटो पर। तो यहाँ पर आपको ऊपर कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है फ़ोटो ऐड कर देने के बाद। यहाँ पर मैंने फ़ोटो ऐड कर दिया और आपके फ़ोटो को अच्छे से जूम कर लेना, ध्यान रखना ये पॉइंट, वरना आपका वेक्टर आर्ट ठीक से नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर हमारी प्रोसेसिंग जो है स्टार्ट हो गई है, ये AI ऑटोमेटिकली आपको बना देगा आपका कार्टून वाला फ़ोटो। तो यहाँ पर आपको ऊपर बटन दिखा देगा, यहाँ पर टैप करना है और यहाँ पर टैप करने के बाद आपको यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद आपको नीचे एक सेव का बटन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आपको लेना है। तो बाद में आपको क्या करना है, पिक्सआर्ट ओपन करना है, बस इतना ही है। और बाकी यहाँ पे एडिट फोटो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये वाला बैकग्राउंड यहाँ पे लगा लेना है इसको। यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। और आपको इफेक्ट पे क्लिक करना है और इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद कलर्स पे जाना है। और यहाँ पे आपको इस येलो कलर को सिलेक्ट करके, आपका जो भी कलर है उसे सिलेक्ट करके आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसे ये वाला सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर एक फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला फ़ोटो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसे ठीक से रख लेता हूँ भाई साहब। और यहाँ पे मैं इसे इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और इफेक्ट पे क्लिक करने के बाद ये बोनस टिप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्ट का कलर भी आप चेंज कर सकते हो, ये बहुत कम लोगों ने बताया लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे प्लस का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे क्लिक करना है और एक फ़ोटो ऐड कर देना है। और ये वाला फ़ोटो जो होने वाला है हमारा फेस का फ़ोटो, यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट ऐड कर दिया ताकि क्लियर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे क्रॉप कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर कटआउट पर क्लिक करना पड़ेगा। तो कटआउट पर क्लिक करने के बाद आपको आराम से आपका फेस सेलेक्ट करने का एक्यूरेट लाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ आराम से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये राइट पे क्लिक करना है बाद में, और यहाँ पे आपका फेस सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको नीचे वाला भी ये वाला पार्ट आपको सेलेक्ट करना है ताकि अच्छे से गर्दन भी आ जाए भाई उसमें, और ये वाली ब्लैक लाइन्स आनी नहीं चाहिए, ध्यान में रखना। और यहाँ पर इसे ठीक से एडजस्ट कर लें, तो यहाँ पर मैं इसे ठीक से एडजस्ट कर लूँगा मैं और एक्स्ट्रा वाला कट कर देता हूँ इरेजर से। तो यहाँ पर आपको ऐसा कट कर लेना है और सेव पर क्लिक करना है। और यहाँ पे इस मुंडी को मैं ठीक से लगा लेता हूँ, अपने फेस को एडजस्ट करके ठीक से यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी, बिल्कुल एक्यूरेट लगा लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, ध्यान रखना, यहाँ पे बॉडी वाला पार्ट और फेस वाला पार्ट मैच नहीं हो रहा। तो आपको यहाँ पर इसे एडजस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसका सैचुरेशन पर क्लिक करके सैचुरेशन थोड़ा बढ़ा देना है ताकि ये थोड़ा और अच्छा लगे और नीचे वाले बॉडी के साथ मैच करे। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर देना। अब आप देख सकते बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइंस दिख गई है क्योंकि सैचुरेशन हमने बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर हम इसे इरेज कर देते हैं ये वाली लाइंस को। तो यहाँ पर मैंने इसे इरेज कर दिया। अब आप देख सकते आप कोई भी मिस्टेक नहीं दिखाई दे रही, एक्यूरेट हो गया एकदम परफेक्ट। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, सिंपली राइट पर क्लिक कर देना है और एक मिस्टेक नहीं करनी आपको, ध्यान रखना है ये फ़ोटो फट जाएगा, क्लियर नहीं आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में आना है और यहाँ पे टूल्स पे क्लिक करना है, रिसाइज पे क्लिक करना है। और यहाँ पर मैं 9000 यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आपका जितना हो रहा है उतना रख देना। रिसाइज करने के बाद वो ऑप्शन दिखाता है आपका हाईएस्ट रिसाइज कितना होगा, तो यहाँ पर आप इसका ये रिसाइज डाल दो जितना दिखाई दे रहा है उतना, तो फिर आपका फ़ोटो फटेगा नहीं पिक्सआर्ट में। तो यहाँ पर आपको सेव कर देना है। और गाइज बस आपको कुछ खाच कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपका फ़ोटो एकदम रेडी होगा चुटकियों में।
और गाइस बोनस फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, आपको इफेक्ट पे क्लिक करके कलर्स पे जाना है और रिप्लेस कलर का यूज करके आप बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो बिल्कुल इजी था। और गाइस अगर इंस्टाग्राम पे कुछ वायरल होता है तो हम उस पर ट्यूटोरियल जरूर बनाते हैं, तो वीडियो बनाने को बहुत मेहनत लगती है यार। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले यार, सब्सक्राइब फ्री होता है, एक बार सब्सक्राइब कर दो क्या जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, आणि हो जय महाराष्ट्र भावना।